रामनगरी अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जमीन के अधिग्रहण को लेकर धर्मपुर गांव के किसानों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तेज नारायण अपने घर से निकले ही थे कि पुलिस ने जबरदस्ती धकेल कर उन्हें घर के अंदर बंद कर दिया। पूर्व राज्य मंत्री के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तेज नारायण पांडे ने कहा कि सरकार किसानों से नफरत कर रही है। श्रीराम एयरपोर्ट के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें किसानों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। अयोध्या फैजाबाद में श्रीराम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है। धर्मपुर गंजा कुटिया 3-4 गाँव की जमीन जो है श्रीराम एयरपोर्ट के लिए ली जा रही है। गांव के लोगों ने मुझे आज गांव बुलाया था, गांव के किसानों ने। मैं गांव के किसानों की समस्या सुनने के लिए गांव जा रहा था, लेकिन योगी सरकार किसानों से इतनी नफरत है और हम समाजवादियों से उनके प्रशासन को इतनी नफरत है कि हमको किसानों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गाँव के किसानों को दे रहे हैं वही मुआवजा आप कुटिया धर्मपुर गंजा के किसानों को दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको आपत्ति है किसानों की बात सुनने पर, लग रहा जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा। प्रशासन इतना परेशान है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, लोगों के हाथ में कटोरा थमाने की काम कर रहे हैं। अगर किसानों की आवाज़ उठाना अपराध है, किसानों की सच की लड़ाई को लड़ना अपराध है, तो हम समाजवादी पार्टी के साथ ही एक बार नहीं 100 बार इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जितना मुकदमा हम पे लाद दें। और आज किसान विरोधी जो बिल ला करके किसानों के हाथ में कटोरा, नौजवानों के हाथ में कटोरा, हाथरस में जिस तरह की हैवानियत हो रही है, बताइए माँ बाप अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए, प्रशासन दाह संस्कार कर दे रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और सच की आवाज़ उठाने पर ये घर में अरेस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जुल्म तानाशाही कर रहे हैं। इनके अधिकारी जो है गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, अपराधियों जैसा। ये लगता अधिकारी नहीं गैंगस्टर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, धमकी दी जाए। लेकिन बता दे रहे हैं 1.25 साल बचा है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके जुल्म और अत्याचार के केवल 1.25 साल बचे हैं। 1.25 साल बाद अधिकारियों से जनता हिसाब लेगी।